भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद आम सी बात है। ऐसे में भोजपुरी सिलेबस अक्सर करके विवादों में घिरे नजर आते हैं, फिर चाहे वो भोजपुरी के पावर स्टार हो या फिर भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हो या फिर कोई और हो, कोई भी स्टार विवाद से अब तक नहीं बच पाया है। सालों पहले एक खबर बहुत ही सुर्खियों में था और वो खबर था शिल्पी राज और उनके बॉयफ्रेंड का मुद्दा। अब वही मुद्दा दोबारा फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बताते चले कि हाल फिलहाल एक खबर सुर्खियों में है जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिल्पी राज के पति विवेक पटेल ने महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी को इंसाफ पाने के लिए अर्जी दी है। विवेक ने वीना मानवी से ये दरख्वास्त किया है कि वो उनको इंसाफ दिलाएं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वीना मानवी ने बहुचर्चित मामला SDM ज्योति मौर्य का उनके पति संग सुलह कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद वीना मानवी के चर्चे होने लगे थे और अब वो पवन सिंह ज्योति सिंह के तलाक के मुद्दे पर भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि वो सब कुछ जल्द से जल्द ठीक कर दे। अब वहीं शिल्पी राज के मैटर में भी कम्प्लीटली वीना मानवी इन्वॉल्व होने जा रही हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। बता दें कि शिल्पी राज के एक्स बॉयफ्रेंड ने शिल्पी राज पर यह आरोप लगाया है कि शिल्पी राज उनके साथ साल 2015 से लेकर साल 2021 तक लिव इन रिलेशनशिप में थी। विवेक ने तो ये तक कह दिया है कि साल 2019 में शिल्पी राज संग उनकी मंदिर में शादी हुई थी, वो भी गांव वालों के सामने। विवेक पटेल ने कहा है कि शिल्पी बच्ची थी जब वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उसका सपना था गायक बनना, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसके सपने को अपना सपना मानकर अपना सब कुछ लुटाकर उसकी मदद की। विवेक पटेल का कहना है कि उसने शिल्पी को गायक बनाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया है। विवेक का कहना है कि उसके पास जो भी जमा पूंजी थी, जो भी दुकान था, उसे बेचकर सब कुछ खत्म कर दिया है सिर्फ शिल्पी राज को गायिका बनाने के लिए। विवेक पटेल का कहना था कि मैं सोचता था कि जब शिल्पी गायक बन जाएगी तो हमारे सारे खोई हुई चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। विवेक पटेल का कहना था कि मैं सोचता था कि जब शिल्पी सक्सेस हो जाएगी तो हमारे सारे तकलीफ मिट जाएंगे, मैंने जो भी खोया है इसके करियर के लिए वो सब वापस मिल जाएगा या उससे अच्छा जिंदगी हो जाएगा, हम लोग खुशहाल रहने लगेंगे और हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारे बाल बच्चे भी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन विवेक पटेल का ये सपना तब टूट गया जब विवेक को पता चला कि शिल्पी उसके हाथ से निकलती जा रही है। विवेक पटेल शिल्पी राज को साइकिल पर बिठाकर अपने साथ जगह जगह ले जाता, उसके लिए लोगों से बातें करता, उसे काम दिलवाता, छोटे छोटे स्टेज शो करवाता। धीरे धीरे जब शिल्पी राज की गायकी लोगों को पसंद आने लगी तो उसे अच्छे अच्छे काम मिलने लगे, अच्छा अच्छा ऑफर मिलने लगा, फिर शिल्पी राज का एक अच्छा नाम होने लगा। तब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन विवेक और शिल्पी में दरार तो तब आया जब शिल्पी राज की मुलाकात विजय चौहान से हुई। विजय चौहान जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जाने माने हस्ती हैं, विजय चौहान ने शिल्पी राज को गाने का ऑफर दिया और शिल्पी राज साथ मिलकर काम करने लगी, जो कि शिल्पी राज के बॉयफ्रेंड विवेक पटेल को खटकने लगी थी। फिर वही हुआ जो हर रिश्ते में होता है, शिल्पी राज और विवेक पटेल में आए दिन मारपीट झगड़ा होने लगा और आखिरी में शिल्पी राज अपना सब कुछ छोड़कर विजय चौहान के पास चली गई और अभी तक वो विजय चौहान के साथ ही रहते हैं, काम करती हैं। और विवेक पटेल से जो उनका रिश्ता है वो काफ़ी साल पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे में जब विवेक पटेल ने देखा कि वीना मानवी सभी लोगों की मदद करती हैं, तो विवेक पटेल ने भी वीना मानवी का दरवाज़ा खटखटाया और मदद के लिए गुहार लगाया। और क्योंकि वीना मानवी सभी की मदद करती हैं तो उन्होंने इस मुद्दे पर पहल की और अब वो शिल्पी राज, विजय चौहान, विवेक पटेल से लगातार बातचीत कर रही हैं और इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं। आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर वीना मानवी का कहना है कि इसमें मेन कल्प्रिट विजय चौहान है, क्योंकि विजय चौहान ने ही शिल्पी राज को बरगलाया है और उसे उसके बॉयफ्रेंड से अलग किया है। और शिल्पी राज भी गलत है, क्योंकि उसने उस शख्स का हाथ छोड़ दिया जिसने उसे सहारा दिया, जिसने उसे गायिका बनाया, जिसने उसके सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वीना मानवी का कहना है कि विवेक को इंसाफ मिलना चाहिए, विवेक ने अपना करियर बर्बाद कर दिया,
सिर्फ शिल्पीराज का करियर बनाने के लिए, और ऐसे में शिल्पीराज ने उसे धोखा दिया है, उसे छोड़ दिया है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। वेल, वीना मानवी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो विवेक पटेल को इंसाफ दिलाकर रहेंगी और शिल्पीराज विजय चौहान का जल्द ही पर्दाफाश करेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।